राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत, 30 विधायकों के साथ होने का दम। सचिन पायलट का दावा, अल्पमत में आई गहलोत सरकार, विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होने का ऐलान। आज सुबह 10:30 से 11 के बीच में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधायकों को जारी किया गया व्हिप। बैठक में नहीं आने वाले विधायकों पर कार्रवाई की दी गई चेतावनी। दिल्ली से गए अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला ने किया 109 विधायकों के समर्थन का दावा। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप, कहा विधायकों को खरीदने की कोशिश। गहलोत, तमाम मंत्री, सब लोग, तमाम एमएलए, हम सब एक हैं। किसी भी कीमत पर बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा, जहां तक राजस्थान का सवाल है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा पार्टी के अंदरूनी झगड़े की वजह से परेशान है गहलोत सरकार। बिगड़े इनके घर में था, भटका घर में है, लड़ाई इनके घर में है, और के माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर चटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करना। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। जयपुर पहुंचे सचिन पायलट खेमे के 3 विधायक, लेकिन जयपुर से दिल्ली आ सकते हैं कुछ और एमएलए। कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर जयपुर पहुंचे पार्टी के 3 नेता, सियासी संकट दूर करने की कोशिश करेंगे अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन। खरीद फरोख्त कांड में एसओजी के नोटिस से नाराज है सचिन पायलट, देशद्रोह की धारा लगने से 7वें आसमान पर है राजस्थान के डेप्यूटी सीएम का गुस्सा। एसओजी की नोटिस को डेप्यूटी सीएम का अपमान बता रहा है पायलट खेमा, कहा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे सीएम। पायलट के दिल्ली में डटे रहने के बाद गहलोत खेमे में हड़कंप, अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों से सीएम ने की मुलाकात। सदी के महानायक के घर में कोरोना की एंट्री, संक्रमण के शिकार हुए बिग बी, नानावती अस्पताल में है भर्ती। अमिताभ बच्चन की हालत सामान्य, नॉर्मल है ऑक्सीजन लेवल, एक और टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार। अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव, पिता के साथ ही नानावती अस्पताल में है भर्ती, बोले घबराने की जरूरत नहीं। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन में भी कोरोना का संक्रमण, घर पर क्वारंटीन किया गया। जया बच्चन का भी हुआ कोरोना टेस्ट, लेकिन फिलहाल नहीं हुई है संक्रमण की पुष्टि। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी संक्रमण की जानकारी, कहा मेरे संपर्क में आए सभी लोग कोरोना का टेस्ट करवाएं। बिग बी के बंगले को बीएमसी की टीम ने किया सैनिटाइज, चारों तरफ से बंगला सील किया गया, घर के बाहर शिव का पोस्टर। बच्चन परिवार के लिए बॉलीवुड ने मांगी दुआ, एक के बाद एक कई सितारों ने दी शुभकामनाएं। पंडित जसराज ने अमेरिका से भेजा संदेश, अमिताभ और अभिषेक के साथ देश के हर कोरोना पीड़ित के लिए शुभकामनाएं। बिग बी के लिए सियासी गलियारे से भी दुआएं, नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन की जल्द स्वस्थ होने की कामना। बच्चन परिवार के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी, जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिरों में खास पूजा अर्चना। पटना में भी अमिताभ की बेहतरी के लिए हवन और पूजा, पंडितों ने पढ़े मंत्र। मुंबई की बांद्रा में सील हुआ अभिनेत्री रेखा का बंगला, एक सुरक्षा कर्मचारी के पॉजिटिव निकलने के बाद बीएमसी का एक्शन। अनुपम खेर के परिवार में भी कोरोना की एंट्री, पॉजिटिव आई मां की रिपोर्ट, कोकिलाबेन अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,243 नए मामले, करीब 92,000 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 5,288 लोगों की मौत। देशभर में पिछले 24 घंटे में 28,637 नए मामले, 8,50,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। देशभर में पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत, अब तक 22,674 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 7,827 नए मामले, 2,50,000 के ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, पिछले 24 घंटे में 4,244 नए मामले, 1,38,000 से ज्यादा कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,573 नए मामले, 1,12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 3,371 की मौत। यूपी में कोरोना के एक दिन में करीब 1,400 नए केस, लखनऊ में 165 और गाजियाबाद में 142 मामले। उत्तराखंड में 120 नए मामले, कुल तादाद 3,500 से ज्यादा, अब तक 47 मौतें। कश्मीर में भी पैर पसार रहा है कोरोना, कुल केस 10,000 के पार, 6 नई मौतों के साथ आंकड़ा 180 पहुंचा।
पंजाब में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मौतों की तादाद 200 के करीब। गाजियाबाद पुलिस पर कोरोना की मार, एक ही थाने के 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। एलएनजेपी अस्पताल भी तैयार किया अपना प्लाज्मा बैंक, 200 प्लाज्मा को स्टोर करने की क्षमता वाले बैंक की जल्द होगी शुरुआत। शारजा में कई हफ्ते से फंसे 152 लोग आखिर अहमदाबाद लौटे, इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के डॉक्टर का दावा, सालों पुरानी मेटफॉर्मिंग दवा शुगर पीड़ित कोरोना मरीजों पर साबित हो रही है कारगर। कोरोना के खतरे के बाद भी घूमने निकले लोग, कश्मीर के पटनी टॉप और नाथा टॉप पर रविवार को दिखी भीड़। गलवान घाटी में शहीद जवानों की याद में जयपुर में लगा रक्तदान शिविर, कई बड़े बीजेपी नेताओं ने भी रक्तदान किया। असम में बाढ़ से हालात खराब, 13 लाख लोग प्रभावित, मौतों का आंकड़ा 44 पहुंचा। बिहार के शिवहर में बागमती नदी में उफान, बांध टूटने से हालत और बिगड़ी। सुपौल कोसी पश्चिमी बांध में कटाव तेज, नुकसान की आशंका से डरे गांव वालों ने जल संसाधन महकमे के अफसरों से की धक्का मुक्की। बारपेटा में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, एनडीआरएफ की टीम ने 4 जिलों में चलाया पूरा अभियान। मणिपुर के बिशनपुर में नदी पार करते वक्त इसमें गिरने से बुजुर्ग की मौत, कई घंटे बाद रेस्क्यू टीमों ने निकाला शव। के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी में हाहाकार। सुपौल में कोसी नदी का तांडव, तटबंध के भीतर सैकड़ों गांव में बाढ़ का हाहाकार। असम में लगातार बारिश और बाढ़ का कोहराम, सड़कों के बहने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। असम के चिरांग और बोईगांव में करीब 15,000 लोगों पर बाढ़ का असर, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा एसडीआरएफ। असम के माजुली में बाढ़ के बीच नजर आया हाथियों का झुंड, काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलकर गांव की ओर जाते दिखे गजराज। विकास दुबे एनकाउंटर में एसआईटी ने घायल पुलिस वालों के बयान दर्ज किए, पीड़ित परिवारों ने भी की इंसाफ की मांग। कानपुर में विकास एनकाउंटर पर बहस के दौरान हुई मारपीट, एनकाउंटर का समर्थन करने वाले की पिटाई। रायसेन में कार से अवैध शराब बरामद, गाड़ी पर लगी थी बीजेपी नेता की नेम प्लेट। विजयनगर में नरेंद्र पिता ने अपनी बेटी से किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झालावाड़ में गांजे की अवैध खेती का खुलासा, गांजे के 61 पौधे बरामद, सरकारी जमीन पर उग रहा था गांजा। गाजीपुर में महिलाओं से मारपीट की शिकायत पर एक्शन न होने से लोग भड़ गए, पुलिस पर ईंट पत्थरों से किया हमला। देवरिया में 25,000 का नामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, शराब तस्करी के में कई बार जा चुका है जेल। रंगारेड्डी में दवाएं ले जा रहे ट्रक में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बरेली में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पीहर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए कत्ल का आरोप। कश्मीर में किसानों को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने की कोशिश, कठुआ में किसानों को बताए एग्रीप्रन्योर बनाने के फायदे और तरीके। होटल में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, गर्भवती महिला को नहीं किया भर्ती, अस्पताल के बाहर मैदान में हुई डिलीवरी। सूरत में ब्रेन डेड शख्स के अंगदान से 4 लोगों को मिला जीवन दान, परिवार की सहमति से हार्ट, लीवर और किडनी का हुआ दान। उन्नाव में फिर टिड्डी दल का हमला, कई इलाकों में फसलों को नुकसान। बुजुर्ग दादी को ठेले में डालकर बैंक पहुंचा युवक, बैंक ने पैसे निकालने के लिए बुजुर्ग को बैंक लाने की रखी थी शर्त। लालू पर जेल के नियम तोड़कर जेल में सियासी मुलाकातें करने का आरोप, बीजेपी ने कहा केंद्र कार्रवाई करे। जालौन में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर, एसडीएम ने खुद गली गली जाकर कराई मुनादी। अंडमान निकोबार द्वीप में आया 4 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप, बड़े नुकसान की खबर नहीं। बंदीपुरा में आतंकवादियों की मदद करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, आज और कल 2 दिन के लिए लगेगा मेडिकल कैंप, कोर्ट में काम करने वालों का होगा टेस्ट। पद्मनाभ मंदिर पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, किसके हाथ में रहेगा मैनेजमेंट बताएगी सर्वोच्च अदालत। गया में कोरोना से निपटने की खास मुहिम, घर घर बांटा जाएगा मास्क और साबुन। पिथौरागढ़ के सीमाई इलाकों में बारिश का कहर, तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले रोड पर दलदल में फंसी आईटीबीपी की कई गाड़ियां। सिक्किम में बारिश की वजह से 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं। लुधियाना में 2,90,00,000 की हेरोइन बरामद, जज का स्टेनो दोस्त के साथ गिरफ्तार। तमिलनाडु के अम्बूर में एक शख्स ने खुद को लगाई आग, अपनी गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई से नाराज होकर उठाया कदम।
ड्रोन के जरिए घर बैठे मिल सकेगी दवा, सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी। मरिगल बाजार और जिपलाइन के बीच समझौता। कई बीमा कंपनियों ने शुरू किया स्पेशल कोविड 19 इंश्योरेंस, इसमें कम पैसों में मिलेगा ज्यादा कवर। दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर 11.2% बढ़ी कंप्यूटर की बिक्री। दुनिया भर में बिके लगभग 7.23 करोड़ पीसी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम, 70 रुपए किलो पर पहुंचा टमाटर। छोटे कारोबारियों के लिए राहत, दिवालिया एमएसएमई को बचाने के लिए स्पेशल स्कीम ला रही है सरकार, जल्द हो सकती घोषणा। चीन के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, साउथ चीन में प्रभावित इलाकों से गर्भवती महिला को किया गया रेस्क्यू। अमेरिका में कोरोना से मौत का शिकार हुए मैक्सिको के लोगों के अवशेष लाए गए एयरपोर्ट पर, दी गई श्रद्धांजलि। ब्रिटेन के मेलबर्न में खेत पर काम करने वाले 72 लोगों को कोरोना, सभी को किया गया आइसोलेट। सैन डिएगो नेवल बेस पर अमेरिकी सैन्य जहाज में धमाके के बाद लगी आग, दूर दूर तक दिखा धुआं। कैलिफोर्निया में आग से सैन गैब्रियल चर्च को भारी नुकसान, 250 साल पुराने चर्च में चल रहा है रेनोवेशन का काम। दुनिया में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, WHO के मुताबिक 24 घंटे में अलग अलग देशों से सामने आए कई मामले। दुनिया भर में 5,67,000 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस, 1,28,00,000 लोगों में संक्रमण। अमेरिका में 33,55,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,37,000 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर फेस मास्क पहने दिखे ट्रंप, अब तक करते रहे हैं इनकार। ब्राजील में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 71,000 लोगों की मौत, 18,00,000 लोग संक्रमित। सर्बिया में लॉकडाउन के खिलाफ लगातार 5वें दिन प्रदर्शन, संसद के बाहर राष्ट्रपति के खिलाफ हल्ला बोल। सिंगापुर में सामने आए 178 नए मामले, 46,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पाकिस्तान में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 2,500 से ज्यादा नए मामले, 2,48,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गिरफ्तार हुए रूस के खबरोस्क में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राज्यपाल, गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका के एक चर्च में 2 गुटों की भिड़ंत, कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद बवाल सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई में 5 लोगों की मौत।